नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि आखिर इस लेटर में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 8/7/2021 को ये लेटर जारी हुआ है और इस लेटर का संचिका संख्या 3355 है, जो कि ये ICDS विभाग बिहार से ये लेटर जारी किया गया है। निदेशक ICDS और सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर का विषय है गृह भ्रमण द्वारा पूरक पोषाहार वितरण के दौरान ECCE गतिविधि कराने के संबंध में। तो जी हाँ, आप सभी लोगों को गृह भ्रमण जब आप लोग करेंगे तो पूरक पोषाहार के वितरण के दौरान, जब आप लोग पूरक पोषाहार का वितरण भी करेंगे तो उस दौरान आपको ECCE गतिविधि भी कराना है घर घर जाके, उसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया। तो यहाँ पे दिया गया है महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय पत्रांक 3038 दिनांक 22/6/2021 यानी कि 22/6/2021 को भी इसी के संबंध में एक लेटर और भी जारी किया गया था के द्वारा राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार अंतर्गत पौष्टिक या सत्तू लड्डू, सुबह का नाश्ता व सुधा दूध पाउडर का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गृह भ्रमण के दौरान किया जाना है। तो जो गृह भ्रमण करना है, जो कि पोषक लड्डू, पौष्टिक लड्डू, सत्तू का लड्डू और सुधा दूध का पाउडर जो कि घर घर जाके वितरण करना है, तो उसी के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः पूरक पोषाहार के वितरण के दौरान निम्न ECCE गतिविधियाँ भी संपन्न की जाए। तो उसके साथ साथ आपको ECCE गतिविधि भी कराना है। तो चलिए पहला नंबर पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ICDS निदेशालय के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध गतिविधि कैलेंडर एवं वीडियोज़ का उपयोग करना है। तो ICDS निदेशालय के जो विभागीय वेबसाइट है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर गतिविधि कैलेंडर और वीडियोस दिए गए हैं, उनको आपको डाउनलोड करके उसका उपयोग करना है। फिर इसके बाद दो नंबर में है लाभार्थी के घर पर उपलब्ध घरेलू सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में माता पिता या अभिभावक का उन्मुखीकरण कराना, जैसे कि लड्डू वगैरह का काम बताया गया था आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को, वही काम आपको जो लाभार्थी हैं उसके घर में जाके वो जो उनके घर में सामग्री उपलब्ध है उसका शिक्षण माता पिता को देना है कि कैसे किस प्रकार से लड्डू बनेगा, यही सारी डिटेल्स आपको समझाना है। उसके बाद यहाँ पे तीन नंबर में दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध स्कूल पूर्व शिक्षा सामग्री का उपयोग करें। तो जो आपको आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा सामग्री दिया गया है, जैसे कि स्लेट हो गया, पेंसिल हो गया या बच्चों के खिलौने वगैरह जो भी हैं, उसका उपयोग उनको घर पर ले जाके बच्चों को कराना है जो स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे हैं 3 से 6 वर्ष उनको। फिर इसके बाद यहाँ पे उनका द्वारा अपने मोबाइल से बच्चों को वीडियोस के माध्यम से शिक्षित करना है। तो जो सेविका हैं उनके मोबाइल पर विभागीय वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करके और उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से शिक्षित करना है, जो कहानी वगैरह होते हैं उनको बच्चे को दिखाना है। और जो यहाँ पे पाँचवें नंबर में दिया गया है निदेशालय द्वारा दैनिक रूप से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर उपलब्ध कराए गए घर घर आंगनबाड़ी से संबंधित वीडियोस को माता पिता या अभिभावक को साझा कर गतिविधि कराना। तो जो निदेशालय द्वारा जो ग्रुप बना है, आंगनबाड़ी ग्रुप है, उन सभी में आंगनबाड़ी ग्रुप जो जुड़ी हुई हैं उनके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे निदेशालय द्वारा दैनिक रूप से यानी कि प्रतिदिन आपको वीडियोस भेजे जाएंगे और उस वीडियोस को आपको घर घर से आंगनबाड़ी जाकर उस वीडियो को माता पिता के या अभिभावकों के साथ में साझा करना है। अतः निर्देश है कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका उक्त गतिविधियों का गहन कर अनुसरण करेंगी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को आंगनबाड़ी ऐप पर अपलोड करेंगी। सेविकाएं नियमित गृह भ्रमण व गतिविधि को पूर्व में दिए गए लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर घर आंगनबाड़ी, बच्चे घर पर भी सीखते हैं। तो जो बच्चे घर पर सीखते हैं यानी कभी तो स्कूल नहीं खुल रहा है,
तो उनको घर पे जाके कौन से दिन कौन सा कार्य कराना है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शुक्रवार को दिया गया है, बच्चे को तस्वीर वाली पुस्तक से कहानी सुनाना है। जो तस्वीर वाली पुस्तक है उस पुस्तक को बच्चे को सुनाना है। उसके बाद शनिवार को एक तरह की चीज़ों को एक साथ रखें, यानी कि खेल खिलौना वगैरह होता है उनको सब साथ में लेके जाना है और बच्चों को उसी के साथ खेलने को बताना है कैसे खेला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सोमवार से लेके शनिवार तक जो कार्य दिए गए हैं उसमें आपको देख लेना है कि कौन से दिन कौन सा कार्य होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए नए जो अपडेट आएँ आप सब तक पहले मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।